गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून। मैं हूं प्रोफेसर हरेराम सिन्हा फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। बच्चों, आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ ये डिस्कस करने जा रहा हूं कि अगले 70 दिनों में, आप जानते हैं कि दिसंबर साइकिल का एग्जाम 6 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है और आज है 25 सितंबर, यानी 70 दिन बचे हैं। तो अगले 70 दिनों में आप NTA UGC NET JRF इकोनॉमिक्स आप कैसे क्वालिफाई करेंगे, आपका JRF इकोनॉमिक्स कैसे होगा, कैसे उसको क्रैक करेंगे, यही स्ट्रेटजी आज हम यहां डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं बच्चों स्क्रीन पे, लेकिन उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। बच्चों, एक और इंफॉर्मेशन आपके लिए बच्चों, NTA UGC NET JRF इकोनॉमिक्स दिसंबर 2023 के लिए मेरा पेड कोर्स भी है, जिसे आप गूल के नाम से जानते हैं। इस बैच का नाम गूल NTA UGC NET JRF इकोनॉमिक्स दिसंबर 2023 है। इस कोर्स को मैंने इस तरीके से डिजाइन किया है जिससे कि आपका JRF बहुत आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं आप, बहुत ही आसानी से। आप देख सकते हैं इसमें हमने आपको रिकॉर्डेड लेक्चर के साथ साथ लाइव लेक्चर, PDF नोट्स, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन एंड मॉक टेस्ट, ये पूरा का पूरा एक पैकेज है बच्चों, जिसमें आप यदि मेरा इंस्ट्रक्शन फॉलो करें तो JRF कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो बच्चों, यदि आपने भी सपना देखा है कि JRF क्वालिफाई करके रिसर्च में जाएं या फिर यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर पहली बार में अपॉइंट हो, तो फिर आप देर मत कीजिए, आज ही आप इको पाठशाला का ऐप डाउनलोड करें और लग जाइए अपने सपनों को साकार करने। और हाँ बच्चों, यदि आपको किसी तरह का इशू आ रहा है तो आप मुझे इस नंबर पे 9910569227 पे आप चाहें तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं, कोई भी आपकी प्रॉब्लम आप मुझे शेयर कर सकते हैं बच्चों। तो बच्चों चलिए चलते हैं स्क्रीन पे। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि 6 दिसंबर से दिसंबर साइकिल वाला एग्जाम स्टार्ट हुआ, आज है 25 सितंबर, 70 दिन बचे बच्चों। 70 दिन में एक कोई भी एक ऑन एवरेज स्टूडेंट जो JRF की तैयारी करता है, पेपर 2 के लिए कम से कम उसको 5 घंटे देने हैं। तो 5 घंटे यदि देता है पेपर 2 के लिए तो उसके पास होता है कितना, 350 घंटे। कितना बच्चों, 70 × 5, 350 घंटे। 350 घंटे में सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो है इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में आप जानते हैं कितने क्वेश्चन आते हैं, पता है आप लोगों को बच्चों, इसमें आते हैं आपके पास 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं बच्चों, 18 से 20 क्वेश्चन इसमें आते हैं बच्चों, इंडियन इकोनॉमी से 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 18 से 20 क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी आते हैं, यानी और कई बार तो यहां पे 22 क्वेश्चन भी आए हुए, 18, 20 और 22 क्वेश्चन भी आए हुए हैं। यानी यदि हम एवरेज देखते हैं यहां पे बच्चों, यदि हम एवरेज देखें तो हमारा इंडियन इकोनॉमी का वेटेज 20% होता है। कितना परसेंट होता है बच्चों इंडियन इकोनॉमी का वेटेज, इंडियन इकोनॉमी का वेटेज जो होता है वो आपके पास 20% का। कितना होगा बच्चों, 18 से 22 क्वेश्चन ऑन एवरेज 20% का वेटेज है। और 20% के वेटेज में यदि आपको आपका क्वेश्चन 15 भी सही होता है, 20 में से 15 क्वेश्चन भी सही होता है, तो आप बहुत अच्छे पोजीशन में हैं। और इसके लिए आपको अलॉट करना पड़ेगा 350 घंटे में से कम 50 घंटे। कितना अलॉट करना बच्चों, 350 घंटे में से कम 50 घंटे। और इंडियन इकोनॉमी के जो सेक्शन है उसको मैं यहां पर थोड़ा डिस्कस करता हूं। इंडियन इकोनॉमी में जो भी सेक्शन है, जैसे आप देख सकते हैं यहां पे कि इंडियन इकोनॉमी में जो सबसे ज्यादा है वो है आपके पास एग्रीकल्चर बेटा, है ना, एग्रीकल्चर से बड़े सारे क्वेश्चन आते हैं बच्चों, एग्रीकल्चर से बहुत सारे क्वेश्चन। इसमें जो मेन फोकस वाली बात है इरिगेशन, मतलब इंडियन एग्रीकल्चर में इरिगेशन, फाइनेंस
एंड गवर्नमेंट पॉलिसी, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहां पे यदि मैं बात करूं तो यहां पे तीन चीजें आपके सामने हैं। यहां पे आप इरिगेशन कर सकते हैं बच्चों, इरिगेशन पढ़ना आपको बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है, इरिगेशन, एग्रीकल्चरल फाइनेंस पढ़ना है, फाइनेंस पढ़ना है बच्चों, एंड गवर्नमेंट पॉलिसी, ठीक है, एग्रीकल्चर से, एंड एक चीज और आपको पढ़ना है बच्चों, आप यदि चाहें तो वो भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे आप यहां पे कह सकते हैं लैंड रिफॉर्म। क्या है बच्चों? लैंड रिफॉर्म। थोड़ा सा इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके क्वेश्चंस यहां पे 15 क्वेश्चन तो आप सही करके आएंगे। पहली बात मैं आपको बता रहा हूं कि आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है नहीं इसमें, तो क्यों छोड़ेंगे आप? हो सकता है तुक्के में लग भी जाए, लेकिन आपका 15 क्वेश्चन सही होगा इंडियन इकोनॉमी से, यदि आप अच्छी तरीके से पढ़ाई करते हैं तो, ठीक है। एग्रीकल्चर के बाद आपके पास यहां पे जो दूसरा पॉइंट होता है वो है आपका इंडस्ट्री। क्या है बच्चों? एग्रीकल्चर के बाद इंडस्ट्री, है ना। इंडस्ट्री में भी आपको मैं चाहूंगा कि उसको तीन सेक्शन में डिवाइड कर दिया जाए, यानी एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है 1947 से 1991 तक, ठीक है बच्चों, 1991 से लेकर के यहां पे 1991 से लेकर के आप 2014 तक, जब हमारी मोदी गवर्नमेंट आई थी, और 2014 से लेकर के आज तक, इसको तीन स्टेजेस में आपको पढ़ना है बच्चों, तीन स्टेज में, कि अलग अलग इन अलग अलग स्टेजेस में इनका ग्रोथ रेट क्या रहा, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या रही, गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव रहे हैं, ये आपको जरूर पढ़ना है बच्चों, ठीक है। इसके बाद इंडस्ट्री के बाद आप यहां पे देखेंगे तो प्लानिंग में भी बच्चों अलग अलग प्लानिंग पीरियड में हमारी क्या अचीवमेंट रही है, हालांकि अब प्लानिंग है नहीं, लेकिन अलग अलग प्लानिंग पीरियड में हमारी क्या अचीवमेंट रही है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किस प्लान को किसने दिया, फेल हुआ, प्लान हॉलिडे एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, इसको भी आप लोग समझिएगा। और यहां पर भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि कई बार वेज गुड मॉडल पे भी क्वेश्चन आते हैं, कई बार जैसे हमारा शुरुआत हुआ था तो पहला प्लान तो ठीक ठीक था, दूसरे प्लान में हमने हेवी इंडस्ट्रीज की बात करी और वो काफी 3-4 प्लान तक चला हो, उसके बाद कुछ लोगों का कंसेप्ट आया कि अब वेज गुड मॉडल भी होना चाहिए, तो उस पर भी आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद ये प्लानिंग के बाद आपसे जो इंडियन इकोनॉमी में जो क्वेश्चन आते हैं वो आता है आपके पास फाइनेंस सेक्टर से, फाइनेंशियल सेक्टर, है ना बच्चे, फाइनेंशियल सेक्टर से। और फाइनेंशियल सेक्टर में पता है बच्चों आपके पास क्या है? फाइनेंशियल सेक्टर में तो हम तो तीन सेक्टर्स की यहां पे बात करते हैं बच्चों। कौन सा है फाइनेंशियल सेक्टर में? आरबीआई यानी सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम, आरबीआई की स्थापना से भी पहले आपको हिल्टन यंग कमीशन, और उसके भी पहले अंबेडकर की बुक इंडियन रुपीज प्रॉब्लम एंड इट्स सॉल्यूशन, वहां से शुरुआत करनी है आरबीआई की, राइट। और आरबीआई की स्थापना से लेकर के आज के फंक्शन तक A to Z आपको जानना है, क्या फंक्शन है, उसके इंपैक्ट क्या होते हैं, और करंट स्टेटस क्या है, मतलब जैसे CRR का रेट क्या है, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, इंडिया में ये जितने इंस्ट्रूमेंट है वो इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सा यूज किया था, वो सारी चीजें पढ़नी बच्चों। आरबीआई के बाद यहां पे कमर्शियल बैंक सिस्टम बच्चों, कमर्शियल बैंकिंग पढ़ना है बच्चों, मतलब ये सेंट्रल बैंकिंग है और यहां पे कमर्शियल बैंकिंग पढ़ना है ना, कमर्शियल बैंक पढ़ना है, ठीक है।
तीसरा सेक्शन जो हम यहां पे बात करने वाले हैं बच्चों, फाइनेंशियल सेक्टर में जो तीसरा सेक्शन है वो है आपके पास कैपिटल मार्केट का, यानी आपके स्टॉक मार्केट से लेकर के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट तक भी करना है। तो यहां पे आपके पास कैपिटल मार्केट, ये चीजें आपको पढ़नी है बच्चों। और ध्यान रखना है कि जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उसकी करंट स्टेटस क्या है और उसमें गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है। ध्यान रखें, थ्योरी, करंट स्टेटस, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है बच्चों, ठीक है। इसके बाद बहुत सारे सेक्टर्स हैं आपके, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो भी थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग, बहुत जरूरी, उससे हालांकि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर भी आप देख लीजिएगा आप लोग। तो देखें, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको यही सारी चीजें पढ़नी है, मतलब इस पे आपको फोकस करना है जिससे ज्यादा क्वेश्चंस यहां पे आते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें 50 घंटे आपने निकाल दिए, इसमें आपने 50 घंटे निकाल दिए, 350 में से 50 घंटे आपने निकाल दिए, 350 घंटे में से 50 घंटे निकाल दिए, कितना बचा? 300 घंटा। अब देखिए 300 घंटे में जो पहला, इसके बाद दो इंडियन इकोनॉमी के बाद जो सबसे ज्यादा वेटेज होता है वो है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। ध्यान दीजिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिकल, यहां पे आपको 35 घंटा लगाना है। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, हम दोनों को क्यों साथ ले रहे हैं? दोनों को इसलिए साथ ले रहे हैं क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल गया है। पहले क्या होता था कि कंज्यूमर का, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है, आज क्या हो रहा है कि एक यूटिलिटी फंक्शन दे देगा, बजट लाइन देगा, बताइए कि इसकी डिमांड कितनी है, नंबर न्यूमरीफाई कर दिया इन्होंने, मतलब नंबर को उसमें डाल दिया, आपको नंबर में उसका आंसर देना है। तो यहां पर आपको माइक्रो के साथ साथ मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है बच्चों। और यहां पे आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, यहां पे जो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं बच्चों कि यहां पे आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपको कितने टॉपिक हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड सप्लाई इक्विलिब्रियम जरूर जरूर एंड जरूर पढ़ना है, क्योंकि अब वहां से कंज्यूमर सरप्लस, टैक्सेस, सब्सिडी, ये सारा आ रहा है, सरप्लस आ रहा है, कंज्यूमर प्रोड्यूसर सरप्लस आ रहा है, बहुत सारे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल फॉर्म में आ रहा है। तो मैं पहले तो नहीं बताता था, लेकिन अब देखिए यहां से आपके पास डिमांड, डिमांड सप्लाई, सप्लाई एंड इक्विलिब्रियम, एंड ये आपको पढ़ना है पहले टॉपिक पे। दूसरे टॉपिक पे आपको कंज्यूमर थ्योरी पढ़ना है। क्या पढ़ना है बच्चों? कंज्यूमर थ्योरी। दूसरे टॉपिक में आप, मतलब दूसरे आप उसमें आपको कंज्यूमर थ्योरी पढ़ना है बच्चों, कंज्यूमर थ्योरी पढ़ना है। अब कंज्यूमर थ्योरी में भी दो तीन थ्योरी है, जैसे कार्डिनल थ्योरी, ऑर्डिनल थ्योरी, ये सारी थ्योरीज हैं बच्चों। तो यहां पे ये पढ़ना है। इसके बाद कॉस्ट एंड प्रोडक्शन, कॉस्ट एंड प्रोडक्शन पढ़ेंगे बच्चों आप लोग, कॉस्ट एंड प्रोडक्शन, कॉस्ट एंड प्रोडक्शन, मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है बच्चों, मार्केट स्ट्रक्चर, जनरल इक्विलिब्रियम एंड फैक्टर मार्केट, या फिर आप कह सकते हैं फैक्टर मार्केट, फैक्टर मार्केट एंड जनरल इक्विलिब्रियम, एंड जनरल इक्विलिब्रियम, ये चीजें आपको माइक्रो में पढ़नी है। और माइक्रो की मैं बात बताऊं तो यहां से जो क्वेश्चंस आते हैं अप्रोक्सीमेटली 10 क्वेश्चंस यहां पे आते हैं। कितने आते हैं बच्चों? 10 क्वेश्चंस आते हैं। तो यहां से जो क्वेश्चंस आप जो देखेंगे बच्चों उसमें यहां से 10 क्वेश्चंस आते हैं बच्चों,
10 क्वेश्चंस आते हैं, तो यहां पे इसका वेटेज जो है 10% के आसपास है। कितना वेटेज है बच्चों? 10%, 10% वेटेज है। तो माइक्रो के बाद मतलब इंडियन इकोनॉमी के बाद जो सबसे ज्यादा वेटेज है वो है माइक्रो का बच्चों। इसके बाद जो इक्वली वेटेज है वो है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स के बच्चों। तो वहां पे आपने देखा 300 में से 35 घंटे निकल गए, तब आपके पास कितना बचा बच्चों? 265 घंटे। 265 घंटों में आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मनी एंड बैंकिंग, यहां पे मैं दोनों को साथ ले ले रहा हूं, अगेन फिर से वहां पे माइक्रो एंड मैथमेटिकल लिया, यहां पे हम क्या ले रहे हैं? मैक्रो एंड मनी एंड बैंकिंग। क्योंकि जब तक आप मनी एंड बैंकिंग नहीं पढ़िएगा आप ISLM के क्वेश्चन डील नहीं कर पाएंगे, क्योंकि LM में आपके पास मनी एंड मनी का बहुत बड़ा रोल है, मनी सप्लाई मनी डिमांड। क्योंकि LM क्या है? LM इज इक्विलिब्रियम ऑफ द मनी मार्केट, या LM रिप्रेजेंट द इक्विलिब्रियम ऑफ द मनी मार्केट, यानी मनी डिमांड मनी सप्लाई का इक्विलिब्रियम को LM रिप्रेजेंट करता है। तो जब तक आप मनी एंड बैंकिंग नहीं पढ़िएगा, जब तक आप मनी एंड बैंकिंग नहीं पढ़िएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स आप नहीं पढ़ सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं यहां का जो वेटेज है बच्चों, कई बार आपके पास मनी एंड बैंकिंग मिला करके, क्योंकि उसमें करंट चीजें भी आ जाती हैं, यहां पे जो क्वेश्चंस होते हैं वो अगेन 10 से 12 क्वेश्चंस होते हैं बच्चों। मनी एंड बैंकिंग को मिला दिया जाए तो 10 से 12 क्वेश्चंस यहां पे आते हैं। 10 से 12 क्वेश्चन का मतलब है क्या बच्चों? 12% वेटेज यहां पे, 12% वेटेज है। और मेरे अनुसार आपको यहां पे 40 घंटे का समय देना है। कितने का समय देना बच्चों? 40 घंटे का समय देना है आपको। 350 घंटे में आपको 40 घंटे का समय माइक्रो एंड मनी एंड बैंकिंग पे देना है। यहां पे देख सकते हैं आप लोग क्या क्या जो वो टॉपिक है जिसमें आपको फोकस करना है। सबसे पहले आप देखिए नेशनल इनकम अकाउंट, ठीक है बच्चों। और आजकल जो क्वेश्चन पूछने लगा है, काफी क्वेश्चन पूछने लगा है किससे? क्लासिकल और क्रीजिन के आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस में। मैंने अपने पेड कोर्सेज में बहुत अच्छी तरीके से उसको पढ़ाया है, क्लासिकल और क्रीजिन का क्लासिकल एंड कीनेजियन, क्लासिकल एंड कीनेजियन इकोनॉमिक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बच्चों, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि जब तक आप आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस नहीं समझेंगे आप इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स कैसे समझ पाएंगे। तो आपको ये समझना है, ठीक है। इसके बाद एक टॉपिक है आपके पास माइक्रो फाउंडेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, मनी डिमांड एंड मनी सप्लाई, ये चार चीजें आती हैं। तो यहां पे आप कह सकते हैं कंजम्पशन, देखिए प्लीज, कंजम्पशन कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट मनी डिमांड मनी सप्लाई, इसको इस पूरे टॉपिक को आपने शायद नहीं सुना होगा, और सुना होगा तो वेल एंड गुड। पूरे टॉपिक को आप कहते हैं माइक्रो फाउंडेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके बाद यहां पे आपको पढ़ना है मल्टीप्लायर मल्टीप्लायर ISLM एंड ADS, ADS। यहां पे ये चीज है मल्टीप्लायर, हम आपको ISLM के पहले इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि IS और LM का जो स्लोप है वो मल्टीप्लायर, IS का स्लोप मल्टीप्लायर पे डिपेंड करता है और LM का स्लोप मनी डिमांड मनी सप्लाई पे डिपेंड करता है। तो इसलिए हमने ये सारी चीजें पहले आपको बताया। तो ISLM ADS पढ़ना है, ISLM एक अलग कंसेप्ट है, ADS अलग कंसेप्ट है, ठीक
ठीक है बच्चों, इसके बाद वाला जो कंसेप्ट है पावर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन एंड बिजनेस साइकिल, उस पे आपको भी ध्यान, उसको भी, उस पे भी ध्यान देना आपको। देखिए प्लीज, अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन इनइक्वालिटी इनइक्वालिटी एटसेट्रा, ये सारी चीजें, बिजनेस साइकिल भी है यहां पे, एक टॉपिक यहां पे बिजनेस साइकिल है बच्चों, बिजनेस साइकिल, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, इनइक्वालिटी एंड बिजनेस साइकिल, इन टॉपिक्स में। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे टॉपिक आप सिलेबस में देखेंगे तो पता चल जाएगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इस पे आपको ज्यादा फोकस करना है, और यहां 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आपको 10 सही हो सकते हैं यदि आपने अच्छी तरीके से पढ़ा। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है जिसे आप स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स कहते हैं बच्चों। हमारे स्टेट यूनिवर्सिटीज के बच्चों को इकोनोमेट्रिक्स तो बहुत दर्द करता है, उनको बहुत कष्ट देता है तो बच्चों, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि आपको कष्ट देना चाहिए, क्योंकि स्टेट यूनिवर्सिटीज के बच्चे जो हैं, हमारे बिहार और यूपी के बच्चे मैथमेटिक्स में काफी अच्छे होते हैं, बिहार यूपी और वेस्ट बंगाल के बच्चे जो हैं मैथमेटिक्स में काफी अच्छे होते हैं। सिर्फ आपको करना क्या है, आपको रिलेट करना सीखना है कि आप मैथमेटिक्स जो आप जानते हैं उसका आप इकोनॉमिक्स में अप्लाई कैसे करें, आप उसका इकोनॉमिक्स में अप्लाई कैसे करें आपको समझना है। यदि जिस दिन आप सीख गए आप एक इकोनॉमिस्ट बन सकते हैं, मेरी बात सुनिए, मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां पे आपको ज्यादा तकल्लुफ देने की जरूरत नहीं है, आप बेसिक बेसिक सी चीजें पढ़िए, बेसिक बेसिक सी चीजें पढ़ लीजिए बच्चों। स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमेट्रिक्स में आपको यहां पर रिग्रेशन पढ़ना है, यहां मैं आपको थोड़ा सा बताया था क्या क्या यहां से आपको पढ़ना है बच्चों। यहां पे पहला टॉपिक आप प्रोबेबिलिटी पढ़ लीजिए, है ना बच्चों, प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी पढ़ लीजिए थोड़ा थोड़ा बेसिक, हालांकि प्रोबेबिलिटी बहुत लंबा चैप्टर है लेकिन इसको बेसिक आप पढ़ लीजिए। प्रोबेबिलिटी के बाद आप पढ़िए रिग्रेशन, रिग्रेशन पढ़ सकते हैं बच्चों, प्रोबेबिलिटी के बाद आप रिग्रेशन पढ़ सकते हैं। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, रिग्रेशन के बाद मतलब रिग्रेशन में आपके पास मल्टीपल रिग्रेशन, सिंपल एंड मल्टीपल रिग्रेशन दोनों। इसके बाद आप यहां पे गॉस मार्को थ्योरम, गॉस मार्को, ये आपको इकोनोमेट्रिक्स का स्टार्टिंग पॉइंट है। और इसके बाद यहां पे जो आप पढ़ेंगे गॉस मार्को के बाद, गॉस मार्को के बाद जो पढ़ेंगे आप मल्टी कोलिनैरिटी, ऑटो कोरिलेशन, हेट्रोसिडास्टिसिटी, साइमल्टेनियस इक्वेशन एंड टाइम सीरीज एनालिसिस, मैं आपको यहां बता दूं, मल्टी मल्टी कोलिनैरिटी, ठीक है, मल्टी कोलिनैरिटी, हेट्रोस्केडास्टिसिटी, हेट्रोस्केडास्टिसिटी पढ़ना है बच्चों आप लोगों को, हेट्रो हेट्रोस्केडास्टिसिटी, ऑटो कोरिलेशन इसी में है, ऑटो कोरिलेशन, ऑटो कोरिलेशन, ठीक है बच्चों। इसके बाद टाइम सीरीज एनालिसिस, टाइम सीरीज के पहले भी एक साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल एंड फिर टाइम सीरीज एनालिसिस, इतने चैप्टर्स पे आपको ध्यान देना है।
मतलब स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स में यदि आपने ये पढ़ लिया तो आपको काफी चीजें समझ में आ जाएगी, ऐसी बात नहीं है, आपको काफी चीजें समझ में आ जाएगी। और आप इसमें से क्वेश्चन, इसमें ज्यादा समय नहीं देना है, आपको देना है 25 घंटे, 25 घंटे देना है, इससे ज्यादा नहीं दीजिएगा। क्यों? क्योंकि यदि आप नए तरीके, यदि आपने सीखा हुआ है इकोनॉमेट्रिक्स तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, नए तरीके से आप सीखने लगते हैं तो फिर समय लगेगा, आपको अलग से पढ़ाई करनी पड़ेगी। इसलिए यहां पे यदि आप कुछ चीज छोड़ के भी चले जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट, इसके बाद आपके पास आता है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, 20 घंटे से ज्यादा नहीं देना आपको। यहां पे दो तीन चीजें सीखनी है आपको, हालांकि मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स मैंने वही बता दिया आपको, फिर भी आप अलग से नहीं पढ़ना है, लेकिन मैंने आपको अलग से समय दिया है कि यदि आप बिल्कुल बेसिक्स भी नहीं जानते हैं आप मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में, तो आपको तीन चार चीजें पढ़नी है। क्या पढ़ना है बच्चों? यहां पे देखिए, फंक्शन, यहां पढ़ना है फंक्शन, लिमिट कंटिन्यूटी की जरूरत नहीं है, फंक्शन यहां पढ़ लेना है। ठीक है, एनटीए के लिए लिमिट एंड कंटिन्यूटी की जरूरत नहीं है। ठीक है, फंक्शन, रिलेशन भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, रिलेशन पढ़िए, ठीक है, इंटीग्रेशन पढ़िए, पहले आप डिफरेंशिएशन पढ़िए, पहले आप डिफरेंशिएशन पढ़िए, यहां पर डिफरेंशिएशन पढ़िए, इंटीग्रेशन पढ़िए, और मत पढ़िए कुछ भी, इतना सीख जाइए। और ध्यान रखिएगा, जब ये पढ़ रहे हैं तो आप जरूर इसका मैथ इकोनॉमिक एप्लीकेशन आपको समझ, अदरवाइज नहीं, कोई फायदा नहीं होगा। तो ये सारी चीजें आपको सीखनी है, मुझे लगता है कि सीखने में आपको 10-12 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा। मैंने आपको यहां पे 20 घंटे का समय दिया है, मैंने आपको यहां पे 20 घंटे का समय दिया है। यहां से मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, बिकॉज हमने माइक्रो में बोल दिया है कि माइक्रो एंड मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स से इतने क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपको अलग से समय दिया है कि यदि आपको मैथमेटिक्स नहीं आती है तो बेसिक से सीखने के लिए ये चीज है। ठीक है, आगे देखिए। इसके बाद आपको इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है बच्चों, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में आपको 25 घंटे का समय देना है, और यहां पे जो क्वेश्चंस आते हैं 6 से 8 क्वेश्चन, मान लीजिए 6 से 8 क्वेश्चन, यहां पे 6 to 8 क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, यहां से 6 to 8 क्वेश्चंस आते हैं। और इसमें मैंने इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स को तीन पार्ट में डिवाइड किया है, कंसेप्ट एंड थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, दूसरा है आपके पास कौन सा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रेड, और आप कह सकते हैं इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, और तीसरा बीओपी एंड द एक्सचेंज रेट। ये तीन सेक्शन में मैंने आपको डिवाइड किया है, तो ये आपको बहुत उस तरीके से पढ़ना पड़ेगा इसको। देखिए प्लीज, यहां पे मैं आपको बता दूं, कंसेप्ट, कंसेप्ट एंड थ्योरी, एंड थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ये इसमें आपको 5 थ्योरी पढ़नी है, एडम स्मिथ, रिकार्डो, हेक्सरोहलिन, स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल एंड क्रोमे, ये आपको इस 5 थ्योरी आपको पढ़ना है डिटेल में, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं बनेगा, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, इस पे मैंने डिटेल एक सेशन किया था कि आप इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की तैयारी कैसे करें, मेरे यूट्यूब पर जरूर ढूंढिएगा, वो आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, मैं वहां पर बताया। ठीक है, इसके बाद जो आपको यहां पढ़ना है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रेड पॉलिसी, क्या है बच्चों यहां पे, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रेड पॉलिसी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रेड पॉलिसी, यहां पे आपको पास इंपोर्ट टैरिफ, एक्सपोर्ट सब्सिडी, इफेक्टिव रेट ऑफ प्रोटेक्शन, डंपिंग, ये सारी चीजें हैं, तो वो भी आपको यहां बहुत डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद आपको यहां पे
बीओपी एंड एक्सचेंज रेट, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एक्सचेंज रेट। क्या पढ़ना है बच्चों? बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट, ये चीजें पढ़नी है आपको। यदि इतना आप इसको पढ़ जाते हैं, इतना यदि आप इसको पढ़ जाते हैं, तो फिर मैं समझता हूं कि ये 6 से 8 जो क्वेश्चन है उसमें से 6 क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे अच्छी तरीके से। ये मैं फोकस करने के लिए बात कर रहा हूं। इंटरनेशनल ट्रेड में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी आते हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक, इस तरीके से नाफ्टा, साफ्टा, ये बहुत सारी चीजें, लेकिन आप इस पे फोकस करें इसको, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो है आपके पास, मुझे लगता है कि ग्रोथ पब्लिक इकोनॉमिक्स है। पब्लिक इकोनॉमिक्स में आप दीजिए 25 घंटे, और पब्लिक इकोनॉमिक्स में बहुत सारे टॉपिक हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी कवर किया है, जैसे कि मार्केट फेलियर। मार्केट फेलियर में आपके पास एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, पब्लिक गुड, एक्सटर्नलिटी, आपके पास मॉरल हैजर्ड, इतनी बहुत सारी चीजें हैं, वो आपको हमने माइक्रो में भी ऑलरेडी कवर कर दिया है। इसके बाद आपके पास आता है पब्लिक पॉलिसी है, उसके बाद आपके पास पब्लिक रेवेन्यू है, पब्लिक एक्सपेंडिचर है, बहुत सारी, यानी यहां पे आप यदि देखें इसमें, तो इस तरीके से आप करें तो पहला टॉपिक यहां पे आता है मार्केट फेलियर का। किसका बच्चों? मार्केट फेलियर, मार्केट फेलियर का पहला टॉपिक यहां पे मार्केट फेलियर का। दूसरा टॉपिक गवर्नमेंट रेवेन्यू, या फिर आप कह सकते हैं पब्लिक रेवेन्यू। किसका बच्चों? पब्लिक रेवेन्यू। तीसरा क्या है? पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर। चौथा क्या है बच्चों? मार्केट फेलियर, पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड पब्लिक डेट, पब्लिक डेट। ये आपके टॉपिक हैं जिसमें आपको फोकस करना है। यहां पे आपको 25 घंटे का, और क्वेश्चंस जो आते हैं यहां पे, यहां पर भी 6 से 8 क्वेश्चंस हैं, 6 से 8 क्वेश्चंस हैं यहां पर, ठीक है। पब्लिक इकोनॉमिक्स से बाद देखते हैं क्या बचता है आपके पास। पब्लिक इकोनॉमिक्स के बाद आपके पास है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। ये एक मेजर टॉपिक है बच्चों, और इससे काफी क्वेश्चंस आते हैं, 10 से 12 क्वेश्चंस आते हैं। कितने क्वेश्चंस आते हैं बच्चों यहां से 10 से 12 क्वेश्चंस आते हैं, 10 से 12 क्वेश्चंस यहां से आते हैं, 10 से 12 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, 10 से 12 क्वेश्चंस आते हैं। और यहां पर भी मैंने आपको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। कौन कौन से? एक तो है आपके ग्रोथ थ्योरी, ग्रोथ मॉडल्स एंड मिसलेनियस। ग्रोथ थ्योरी में आपको अलग अलग चीजें हैं, जैसे कि एडम स्मिथ का ग्रोथ थ्योरी क्या है, रिकार्डो का ग्रोथ थ्योरी क्या है, सुम्पीटर का ग्रोथ थ्योरी क्या है, मार्क्स का ग्रोथ थ्योरी क्या है, बैलेंस ग्रोथ, अनबैलेंस ग्रोथ क्या है, इस तरह के मतलब काफी थ्योरीज हैं जो आपको पढ़नी है। मेजर टॉपिक है, यहां पे आपको 30 घंटे देना है। और हम आपको यहां पे बात कर रहे हैं बच्चों, देखिए प्लीज, कि यहां पे थ्योरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, थ्योरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है ना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये करना है। इसमें 4-5 थ्योरी है, एडम स्मिथ, रिकार्डो, शूमपीटर, कार्ल मार्क्स, बैलेंस ग्रोथ, अनबैलेंस ग्रोथ, इस तरह की थ्योरी है, ठीक है। इसके बाद यहां पे आपको पढ़ना है मॉडल्स ऑफ ग्रोथ, मॉडल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड। और इसके पहले लेकिन आपको समझना है बच्चों कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है क्या, आपको पहले इसी टॉपिक को आपको समझना पड़ेगा।
कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है क्या, तब जाकर आप थ्योरी पढ़िए, फिर उसका मॉडल पढ़िए, और फिर आप पढ़िए मिसलेनियस, फिर आप पढ़िए मिसलेनियस, ठीक है, मिसलेनियस पढ़ना है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बाद आपके पास जो टॉपिक बचता है उसे आप एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स कहते हैं, आप चाहें तो उसको इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी उसकी आप जो उसके टॉपिक्स हैं हम कई जगह कवर कर चुके हैं, बट फिर भी मैंने वहां पे भी असाइन किया हुआ है यहाँ पे 20 घंटे बच्चों, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स को 20 घंटे हैं, आप यहाँ इसको पढ़िए यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप करंट अफेयर्स पे 30 घंटे का समय दीजिए, क्योंकि करंट अफेयर से काफी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर से, तो उस पे समय जरूर दीजिए। फिर बचिए कितना, 80 में से 30 निकल गया 50, और आपके पास क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए 50 घंटे बहुत ही ज्यादा जरूरी है बच्चों, और इस तरीके से आपके आर्स 00 एग्जाम आपके सामने। यदि आप इस तरीके से पढ़ाई करते हैं तो आप, आपको एग्जामोफोबिया की तो बात ही नहीं है, आप हंसते हंसते जाएंगे और कहेंगे कि यार मेरा तो इस बार GRF हो रहा है। तो बच्चों गुड लक, और आप, आई होप कि आप इस तरीके से पढ़ाई करेंगे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।